दिस वीडियो इज को स्पॉन्सर्ड बाय अबुदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या नागपुर में आपका स्वागत है। और नजर डालते हैं नागपुर शहर की दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अस्पताल पर मनपा की गाज, 15,000 का ठोका जुर्माना, सामान्य कचरे में जैविक कचरा मिलाना पड़ा अस्पताल को भारी। नागपुर महामेट्रो के घोटाले पर कैक का ऑडिट, जय जवान जय किसान के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने पत्र परिषद में दी जानकारी। बेटों को बचाकर खुद पर लिया चाकू का वार, पत्नी को किया शराबी पति ने चाकू से घायल, गिट्टी खदान थाना अंतर्गत मामला दर्ज। और 26 ग्राम एमडी के साथ आरोपी गिरफ्तार, पाचपावली पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। गांधीबाग जोन अंतर्गत रेशमबाग चौक पर उस समय एक अस्पताल को खामियाजा भुगतना पड़ा जब सामान्य कचरे में जैविक घातक कचरा मिलाकर निपटारा होने की जानकारी एनडीएस को मिली। उल्लेखनीय है कि हाल ही में घन कचरा व्यवस्थापन विभाग के उपायुक्त डॉक्टर राजेंद्र महल्ले ने इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सभी जोनल स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही एनडीएस दस्ते को दिए थे। बुधवार को जैसे ही दस्ते को सूचना मिली, दस्ते ने रेशमबाग चौक पर स्थित भानुकृपा मल्टीस्पेशल अस्पताल में दस्तक दी, जहां मामला उजागर होने के बाद प्रबंधन पर 15,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में टीम ने हिस्सा लिया। एक ओर जहां एनडीएस के दस्ते ने गांधीबाग जोन में कार्रवाई की, वहीं अन्य दस्ते ने धंतोली जोन अंतर्गत मनीष नगर में साईराज बिल्डर्स द्वारा निर्माण सामग्री फैलाकर रखने के लिए कार्रवाई की। बिल्डर्स से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर। जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार द्वारा लगातार महामेट्रो में भ्रष्टाचार के संदर्भ में आंदोलन और आवाज उठाया गया। महामेट्रो के भ्रष्टाचार और घोटाले के संबंध में जय जवान जय किसान संगठन ने पत्र परिषद के माध्यम से समय समय पर प्रश्न उठाए। यही प्रश्न और मुद्दों को कैग के ऑडिट में शामिल कर सवाल उठाया गया और यह अहवाल संसद में पेश किया गया और इस पर योग्य कार्रवाई की जाएगी। और जय जवान जय किसान संगठन का भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष सफल हुआ, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को सही ठहराया। तमिलनाडु में सांडों को काबू करने वाले खेल जलीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नए कानून क्रूरता पहलू को रखा गया है। खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। सांडों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए कानून रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कानून को संसद एक से पास पशु क्रूरता निरोधक कानून का उल्लंघन बताया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पशु से क्रूरता करे तो उस पर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक में कंबाला खेल के 5 के खिलाफ लगी याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा तीनों अधिनियम वैध है और इसमें पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। और खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहां आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK कॉटेजेस, वेल डिजाइंड डाइनिंग एंड डॉर्मेटरी एंड बैंक्वेट हॉल। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर।
जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई असिस्मेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब। गहनों के बिना महिलाओं का साज, श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे चार चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है, तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404197। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत, देखते हैं अगली खबरें। कोई भी नशा हद से ज्यादा किया जाए तो उसके दुष्परिणाम सेहत के साथ ही सांसारिक मामलों पर भी पड़ता है। ऐसी एक घटना गिट्टीखदान थाना अंतर्गत सामने। गत 15 मई की रात शराबी पति ने विवाद के दौरान बेटे को बचाने दौड़ी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्नी प्रीति मोहिते बुरी तरह घायल हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। गत बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया। बता दें कि 15 मई की रात प्रीति बच्चों समेत भोजन कर रही थी, उसी वक्त पति नशे की हालत में घर पहुंचा। शराबी गजानन मोहिते ने बेटे से घर के पालतू जानवर को भोजन देने को कहा। शराबी बाप को की बात बेटे ने सुनकर अनदेखी की, जिस कारण गजानन गाली गलौज करने लगा। इस वजह से पति पत्नी में नोकझोंक हुई। आवेश में आकर आरोपी ने पत्नी पर चाकू से वार किया। नागपुर पुलिस के प्रयासों के बाद भी एमडी का कारोबार शहर में अच्छा खासा और बेखौफ होकर फल फूल रहा है। बता दें कि इस बार मुंबई से एमडी की खेप नागपुर में आई। गुप्त सूचना के आधार पर नागपुर पाचपावली पुलिस ने 26 ग्राम एमडी के साथ एक आरोपी को जाल बिछाकर धर दबोचा। आरोपी का नाम वसीम खान, इमरान खान बताया गया। तो इस कारोबार में आरोपी के द्वारा और आरोपियों के नाम के खुलासे भी हुए हैं। कल रात में हमारे तपास पथक जो है उसके जो विजेंद्र यादव का जो पथक है उसमें है नितिन वर्मा, अपना पवन मिर्जा, उसके बाद में दूसरी पार्टी है लक्ष्मण शेंडे की टीम के है किशोर, उसमें चौहान, इन सबको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भैया मुंबई से कंसाइनमेंट आ रहा है ड्रग्स का एमडी का। तो चक्कर में हमने ट्रैप लगाए थे, उसमें परमिशन वगैरह लिए, स्टेशन जारी वगैरह किए और ट्रैप लगाए, तो बंदा हमको लक्ष्य सलीम स्पोर्ट्स ग्राउंड है आशी नगर ग्राउंड के बिल्कुल एनएमसी ग्राउंड के बाजू में, वहाँ पे वो बंदा मिला हमको। उसको सर्च वगैरह किए तो उसके पास से हमको 26 ग्राम 150 मिलीग्राम एमडी जब्त किए। फिर सर जब्ती पंचनामा कार्रवाई वगैरह करके हमने उसको थाने में लाया, गुना दाखिल किया, अरेस्ट किए। उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि भैया एमडी किसको देने आया था, तो उसने बताया मकसूद करके एक बंदा है, उसका नाम मकसूद अहमद अमीरुद्दीन मलिक, जो रिकॉर्ड वाला आरोपी है यादव नगर यशोदा नगर में रहता है, उसको देने के लिए लाया था उसने। फिर मुंबई से उसको किसने दिया इसके बारे में पूछे तो मुंबई में उसका मोहम्मद सऊद नाम का एक बंदा है जो मुंबई में रहता है, उसने उसको कंसाइनमेंट दिया था। अभी दो आरोपी अरेस्ट है, एक आरोपी मुंबई का और पाई जी आरोपी है, ये PCR के लिए हम जा रहे हैं। अब जो अपने आरोपी को जो अक्यूज किया अरेस्ट किए है उसका नाम है वसीम खान, इमदाद खान, रैना कमल नगर, रमन नगर, झोपट्टी, मुंबई। अभी उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो मकसूद को बेचने के लिए मुंबई से नागपुर आया था, तो मकसूद को तो हमने अरेस्ट कर लिए। अब जो कंसाइनमेंट उसको मुंबई में दिया था मोहम्मद सऊद को, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चालू है, आगे भी तपास बढ़ सकता है, कुछ और आरोप निष्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अभी तपास प्राथमिक स्टेज में रहने की वजह से हम उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे। पाचपावली पुलिस ने एमडी ड्रग्स के अवैध कारोबार के संबंध में लगातार दो कार्रवाइयां की, जिसमें से एक कार्रवाई में एमडी के कारोबार में लिप्त इरफान अहमद, इसराल अहमद मलिक व सनी जयराम मकीजा को 2,80,000 के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गांजा से अधिक एमडी के शौकीनों के कारण शहर में यह कारोबार पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से बढ़ रहा है। जानकारी है कितने रुपए का मुद्देमाल है, क्या बताना चाहिए? दुनिया शाखा पतन जो है नागपुर में, उन्होंने
एमडी की कार्रवाई करके हमें शून्य दखल करने के लिए दिया था। उस पर एक आरोपी अरेस्ट था, इरफान अहमद इसरार अहमद मल्लिक, वह 42 वर्ष, राणा टेका, पंशील रोड। इसके आधार पर हमने एक जो आरोपी था सनी जयरामलाल मखीजा, उसको कल रात में अरेस्ट किया है और टोटल एमडी जो है वो 21 ग्राम हमने जब्त की है। और अभी दो आरोपी है, इसमें अभी परफॉर्मिंग स्टडी तपास होने की वजह से अभी आगे का प्रक्रिया के लिए अभी जा रहे हैं। तो दोनों आरोपी के नाम, पहला आरोपी जो है इरफान अहमद इसरार अहमद मलिक, उम्र 42 साल, रहना ताजनगर टेका, पंशील रोड, पाचपोली, नागपुर। दूसरा आरोपी है सनी जयराम मखीजा, देवी नगर, रायशना बिल्डिंग। इसमें जो सनी मखीजा है उसके ऊपर इसके पहले भी एनडीपीएस के एमडी से उन्हें दाखिल है, वो रिकॉर्ड में आरोपी है। अभी तपास प्राथमिक स्टेज में है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। टोटल इसका मुद्देमाल हमने 2,87,000 जब्त किए हैं। ये अभी एमडी की कंटिन्यू तीसरी कार्रवाई है। इसके पहले हमने रोशन राज मिश्रम और विशाल मिश्रम के ऊपर दोनों बंदों पर कार्रवाई किए थे, उसके बाद ये है दो बंदे। और अभी कल ही हमने और 2,80,000 रुपये का माल पकड़े, उसमें 2,60,000 की एमडी है, 20,000-15,000 उसका मोबाइल है और 2,000 रुपये पास कैश मिली। और इसी के साथ खबर संध्या नागपुर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3,050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2,000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जगन्नाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।